आखिर क्यों अच्छी शुरुआत के बावजूद भी नहीं जीत पाई टीम इंडिया और क्यों पड़ गया श्रीलंका भारी दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे और हार के प्रमुख क्या कारण रहे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन जीत के साथ श्रीलंका ने इस सीरीज में एक शून्य की बढ़त बना ली। हालांकि पहला मैच टाई हुआ था, टॉस जीतकर शानदार बल्लेबाजी 240 इस ट्रैक पर एक अच्छा स्कोर क्योंकि स्लो विकेट थी। ऐसे में क्या अच्छी शुरुआत हुई थी जिसको हम कह सकते हैं 97 रन। हालांकि पहले वनडे में भी अगर आप देखें तो 75 रन बने थे ओपनिंग प्लेयर के तौर पर और दूसरे में तो 57 और काफी ताबड़तोड़ बने थे, जल्दी बने थे। ऐसे में जो प्रमुख कारण है मैं आपको बताना चाहूंगा और सबसे पहला जो कारण रहा है, क्या मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली चलेंगे तो इंडिया जीतेगी या नहीं चलेंगे तो इंडिया जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, एक अहम सवाल है। पिछले दो मैच में हम देख रहे हैं विराट कोहली जब 30 से नीचे रन बनाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि भारतीय टीम चेस करते हुए हारती और विराट कोहली 50+ का स्कोर बनाते हैं तो 90% भारतीय टीम एक दिवसीय मुकाबले में जीती। ये भी एक अनोखा दिलचस्प आंकड़ा है पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक रियल फैक्ट है। दूसरी बात, मिडिल ऑर्डर का लगातार लड़खड़ाना, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि केएल राहुल आए हैं टीम के साथ काफी अरसे के बाद, हालांकि आईपीएल के बाद मैं कह सकता हूं जुड़े हैं। श्रेयस अय्यर केकेआर को चैंपियन बनाने के बाद वो भी किसी इंटरनेशनल सीरीज में पहली बार खेल रहे हैं, तो लगातार दो मैचों में देखो तो दोनों ने बल्ले से बहुत बड़ा कमाल नहीं किया, कोई इंप्रेसिव बैटिंग नहीं रही, कोई अर्धशतक नहीं आया है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उनको चुना गया है। और ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब विराट कोहली जल्दी आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर के उन बल्लेबाजों पर जिसको हम कहते हैं कि शायद इनके द्वारा रन बनाया जा सकता है, उनमें से केएल राहुल है, उनमें से आप कह सकते हैं कि एक और बल्लेबाज जैसे कि मैंने बताया श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ शिवम दिवो को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खेला नहीं क्रिकेट, T20 में उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है लेकिन वनडे में तो नहीं है, वनडे में उनको थोड़ा सा मौका देना होगा। पिछले बार अच्छा खेला था उन्होंने हालांकि जीत तक नहीं ले जा पाए, ये कारण है मिडिल ऑर्डर का लगातार फेल होना। और तीसरी एक जो अहम कारण की मैं बात करना चाहूंगा वो लगातार बैटिंग ऑर्डर में छेड़खानी। जी हाँ, नंबर ऑफ जो क्रम होता है बल्लेबाजों का जो क्रम होता है उसमें अगर आप फेरबदल करते हैं, जो स्ट्रेटेजी चल रही है इस समय ये गौतम एरा में, या कह सकता हूं कि मैं रोहित भी उनके साथ है या नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है कि जो बैटिंग ऑर्डर में लगातार छेड़खानी हो रही है शायद उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अगले बल्लेबाज का लड़खड़ाता है। आज आप देखें तो अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया और साथ ही साथ शिवम दुबे को ऊपर भेजा गया। पिछले मैच की बात करें तो वहां पे भी परिवर्तन हुआ था, वॉशिंगटन सुंदर को पहले भेजा गया था, तो क्यों भाई ऐसा हो रहा है? मैं तो ये बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना मान रहा हूं। आपके पास केएल राहुल अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ा सा खेलने का और सेट होने का मौका दो। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने हमेशा तीसरे और चौथे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की है, इनफैक्ट इतना ज्यादा पीछे आना मुझे लगता है कि ये एक अनोखा एक बात हो सकती है। हालांकि अक्षर पटेल ने कल काम किया, इन्हीं के दूसरे टॉप स्कोरर रहे हैं, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाजों को भी काम करना था यहां पे। तो ऐसे में ये बैटिंग ऑर्डर में जो लगातार चेंजिंग किया जा रहा है, ये जो स्ट्रेटजी की जा रही है, ये टीम इंडिया के लिए अभी तक तो घातक सिद्ध हुई है। तीसरी एक जो हम अहम बात करने जा रहे हैं, एक अहम कारण, क्या स्पिनर के खिलाफ भारतीय टीम बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है? इस विषय में अगर मैं अपनी राय देना चाहूं तो बिल्कुल ये सही बात है। पिछले मैच में भी हमने देखा 5 LBW यानी 5 पगबाधा के खिलाड़ी आउट हुए थे LBW, जिसमें रिव्यू भी जिसमें अंपायर ने नॉट आउट दिया है, उसके बाद रिव्यू के द्वारा तीसरे अंपायर ने आउट दिया, यानी कि ये फैसला बिल्कुल सही था अंपायर का। दूसरे और तीसरे मैच में 5-5 विकेट LBW के तौर पर आउट हुए और आपको मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड, केवल 3 बार ऐसा हुआ है वनडे में, 2014 में एक बार हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ और बाकी जो लगातार हुआ है इसी सीरीज में हुआ है। पहले और दूसरे मैच में स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम बैकफुट पे है, ज्यादातर डिफेंसिव अटैक कर रहे हैं, पीछे जाएंगे तो शायद जो बॉल मिस होकर पैड पे लगती है वहां पे LBW होने का चांस रहता है। मुझे तो याद आ रही है अजंता मेंडिस की, वो मिस्ट्री स्पिनर जिन्होंने शुरुआती 10 मैचों में तो भारतीय टीम को ही ज्यादा परेशान किया था, वो दौर मुझे याद आ गया होगा और आपको भी याद आ गया होगा अजंता मेंडिस की वो गेंदबाजी। और कल ऐसा ही कुछ किया वंडर्स ने, हालांकि आप देखें तो उनको एक दिवसीय मुकाबले में शामिल नहीं किया गया था लेकिन जो इंजरी हुई है
हसरंगा की, उनकी जगह उनको मौका मिला और हसरंगा से उन्होंने बेहतर कर दिया। तो स्पिन गया, स्पिनर गया लेकिन अपना छाप छोड़ गया दूसरा जो गेंदबाज आया वंडर से। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, श्रीलंका का लोअर ऑर्डर और भारतीय टीम की डेथ ओवर में गेंदबाजी अच्छी ना होना। आपको याद होगा दोनों मैच में श्रीलंका के 6 विकेट गिर जाते हैं जब उनका स्कोर रहता है 120 और 125, बाद में वो 230 जाते हैं और बाद में फिर वो 240 बना लेते हैं। तो डेथ ओवर में भारत उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा है, ये भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। देखते हैं तीसरे मैच में क्या पलटवार करेगा भारत। सीरीज तो नहीं जीत सकते हैं लेकिन बराबरी करने का है मौका। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो जरूर बताइएगा हमें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।